नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। अगर हम आपसे कहें कि फर्रुखाबाद में एक ऐसी भी न्यायिक कोर्ट है जहां पर हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन न्यायिक कार्य होता है, तो आप चौंकिएगा नहीं। यह बात बिल्कुल सही है, 100% सोलायाना सही है। हम आपको आज ऐसी ही कोर्ट में लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायिक कोर्ट की, जहां पर हफ्ते में दो दिन ही न्यायिक कार्य किया जाता है। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर भी हमने बात की है। हम आपको इसका एक ऑडियो सुनाएंगे। देखिए, कोर्ट तो रोज़ खुलती है, पर वहां पर न्यायिक कार्य जो है सिर्फ दो दिन, यानी कि हफ्ते में बुधवार एवं गुरुवार के दिन ही न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठते हैं और सारे मामलों की सुनवाई करते हैं। जिन मामलों में सजाएं होती हैं या जो भी जुर्माने आदि जो भी न्यायिक कार्य होते हैं, वह बुधवार और गुरुवार को ही निपटाए जाते हैं। बाकी दिनों में और भी कार्य होते हैं। हम आपको यह भी बता दें, अनवरगंज कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन से लेकर मथुरा छावनी तक के मामले इसी कोर्ट में, जी हां, इसी फतेहगढ़ की कोर्ट में न्यायिक कार्य निपटाए जाते हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं हमारी रेलवे के अधिवक्ता से क्या बात हुई, सुनिए। मतलब न्यायिक कार्य होता है दो दिन। अच्छा, दो दिन न्यायिक, जज दो दिन बैठता है। दो दिन न्यायिक कार्य होता है और उसके अलावा जो चार दिन बचते हैं, चार दिन में इनके पास चार थाने हैं। अच्छा, चार थाने हैं, जैसे मान लीजिए कन्नौज, आरपीएफ कन्नौज, आरपीएफ कासगंज, और आरपीएफ हाथरस, और आरपीएफ मथुरा छावनी। अच्छा, मथुरा छावनी। हाँ, तो ये बाकी, हाँ, बाकी दिनों में जैसे सकल न्यायालय लगता है, सकल न्यायालय लगा लिया, या उन्होंने मतलब जो है पूरे महीने का प्रोग्राम आता है ना। अच्छा, तो उसमें पूरे महीने प्रोग्राम या चेकिंग लगा ली बस रेट। अच्छा, मजिस्ट्रेट चेकिंग वगैरह। अच्छा, जो है ट्रेन चलती है तो वो चेकिंग वगैरह ये सब इन्हीं का, इन्हीं की ड्यूटी है ना। अच्छा, जो जो जज यहाँ बैठते होंगे वो उन्हीं की ड्यूटी होती है। उन्हीं की ड्यूटी होती है, वो जाते हैं वहाँ टूर पे अपना, वहाँ चेक करते हैं, जो भी पकड़े जाते हैं उनको जुर्माना उर्माना बोलते हैं, वहीं पे डिसाइड कर देते हैं। इसमें आपने बताया इनके क्षेत्र में अनवरगंज, वो सॉरी कासगंज, मथुरा छावनी, हाथरस, तीन और चौथा कौन सा? नहीं, थाने आप नोट कर लीजिए। आप बोलिए, आरपीएफ कन्नौज, आरपीएफ फर्रुखाबाद, आरपीएफ फर्रुखाबाद, आरपीएफ कासगंज, आरपीएफ कासगंज, आरपीएफ हाथरस, आरपीएफ हाथरस नया थाना बना, आरपीएफ मथुरा छावनी, आरपीएफ मथुरा छावनी, और इनके अलावा जीआरपी थाना है इनके पास, जीआरपी। अच्छा, और ये अनवरगंज का भी केस हमने देखा है, आपने कुछ अनवरगंज का ही मामला इनके पास रहता है क्या? अनवरगंज की चौकी है, चौकी है अनवरगंज। अच्छा, चौकी है, रिपोर्टिंग उसकी, रिपोर्टिंग थाना जो है वो कर लो। अच्छा, तो मतलब जैसे अनवरगंज में अगर कोई मामला दर्ज होता है, अपराध होता है, तो वो उसका कन्नौज में आएगा, कन्नौज में आएगा, लेकिन उसका समाधान, सजा जो होगी या जो भी, वो यहीं से होती है, वो यहीं से होगी, वो यहीं से होती है। तो जैसे मथुरा में अगर कोई छावनी में कोई कांड होता हो तो वो यहीं से होगा, सब वो यहीं आएगा, छावनी में होगा वो यहीं आएगा, और जो मथुरा कैंट उधर जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, मथुरा जंक्शन का जो, हाँ, वो उधर चला जाता है, जंक्शन का वो उधर चला जाता है, कैंट तक का इधर ही आता है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ऐसे लाइन देख ली तो अनवरगंज से मथुरा छावनी तक की पूरी लाइन एक एक उनके, हाँ, हिस्से में है अपने, हाँ, फतेहगढ़ के कोर्ट में आने। और यही पे यहाँ कोर्ट। अच्छा अच्छा, तो इस बीच में जो भी मामले होंगे, जो भी हादसे होंगे या जो भी एक्सीडेंट होगा या जो भी होगा, मतलब जी जब भी घटना होगी जी, वो यही आएगी। अच्छा, तो मामला यही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आपने सुना रेलवे के अधिवक्ता ने क्या बताया क्यों। आपको हमारी अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरें और न्यूज़ इंटरव्यूज लाते रहेंगे। नमस्कार।